जेबा कप गिनने सही मुनी सही कौन जनाब जनाब सर करिए तो ठीक होती है ज्यादा भी तो वो भी लेते हैं तब तक ये सामान रख देते हैं गाड़ी में कि देखो होए 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 ये सारे तिल काश की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जासन, उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैर होंगे, ऐसे होंगे। दोस्तों आज जो है ना सफर पे निकले हुए हैं और जा रहे हैं जी मुल्तान शरीफ मुजफ्फरगढ़ से। मुल्तान शरीफ मेरे साथ मौजूद है जी हमजा और जी मलिक सलमान कालू साहब और ये है हमारा जी सफर। कल बारिश हुई है बड़े जबरदस्त और आज मौसम वीआईपी बना हुआ लेकिन हबस है, इसलिए एसी चलाएं और बड़ी सुकून माहौल है। बाहर मौसम की रौनक जो है ना आप देख रहे हैं, चहल पहल है, लोग जो है ना अपने काम में मसरूफ हैं, इंजॉय कर रहे हैं फुल टाइम। और हमारे बचे जी चंद दिन, इंशाल्लाह दो तीन दिन में हमारी होगी रवानगी। ये अभी चनाब पे पहुंच चुके हैं, देख रहे हैं पाकिस्तान में कोई राइट से आ रहा है कोई लेफ्ट से आ रहा है। इस टाइम आम का सीजन चल रहा है और लोग फुल टाइम आम खा रहे हैं, फुल इंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। और अभी तक भी टाइम हो रही है 12 के, अभी तक भी नाश्ता नहीं किया हुआ, तो देखते हैं नाश्ता आज कहाँ पे होता है और दिखाते हैं आपको मुल्तान शरीफ और मुल्तान के कुछ खूबसूरत नज़ारे। देखिए ये जा रही है जी सब्जी, लोरा लाई की सब्जी जा रही है। फोर्ड मरू वाला रास्ता मुझे लगता है दो तीन दिन क्लोज रहा है हमारे वहाँ आने से पहले। और एक लाला आल्टो ला की लाई खड़े मजा ले जो ये रास्ता देवन साखू सज्जे पास हो हमेशा खबे पास देसन। खुश आमदीद मुल्तान, मुल्तान के एरिया में इंटर हो चुके हैं दोस्तों। ये देखें नांगशाह वाला रोड है, नांगशाह और जो है ना मुजफ्फराबाद कैंट, कैंट आगे तकरीबन 10 मिनट के फासले पे होगा कैंट। ये जी दोस्तों चौक शहीदा खड़े हैं और अनार जो है ना बिक रहा है, ये देखें 50 रुपए पाव दे रहा भाई। सुबह सुबह अनार जो है ना अनार खाते हैं थोड़ा सा। ये देखें जी दोस्तों हर तरफ फ्रूट की माशाल्लाह कितनी खूबसूरत खूबसूरत रेड़ियां लगी हुई हैं। अनार आया हुआ है जी, सेब आ गया, आलू बुखारा, केले, आम, इस टाइम सब फ्रूट जो ना खुमानी, आड़ू, मिठियां और पता नहीं वाह वाह क्या बात है। पाकिस्तान में आपको फ्रेश चीजें मिलती हैं, फ्रेश रोक रोक रोक। ये देखिए यही दुकान है भाई, चल चल ले जा जा भाग के जा भाग के जा बेटा भाग ले नहीं आना बेटा देख क्या नहीं दिगी दिगी खोल दी है। हमजा का यहाँ पे एक दुकान पे काम था वो करने के लिए गया, तब तक हम कुछ अनार खा लेते हैं। अच्छा दोस्तों ये आ चुके हैं जी घंटा घर, देख रहे हैं घंटा घर के सामने बिल्डिंग है, उसके सामने जो है ना राइट हैंड पे है जी शाहरुख ने आलम दरबार। ये देखें राशि राशि हर तरफ, पहले हमदा ने उधर फंसा दिया है चौक शहीदा, अब हम फंसने जा रहे हैं हसना गई है। ओए कुरान दा नाम है हमजा, हुसैना गई में लेके जा रहा है यार, बहुत ज्यादा रश है, बड़ी गाड़ी में तो बंदा फंस जाता है, बाइक का काम है यहाँ पे। ये ट्रेन का किसने खड़ी की यहाँ पे हमसा? ये ट्रेन नहीं है बेटा, देख तो सी सामने चेक तो कर। अच्छा ट्रेन की पुरानी बोगी ले आए होंगे, ये ऊपर से चले नीचे से, नीचे से अंदर जाना, चलें फिर देखते हैं जी आज क्या रश लगने वाला है मेला और मेले में हम फंसने वाले हैं। अच्छी आदतें तो घर से शुरू होती हैं डॉल्फिन्स, वाह क्या जुमला लिखा है यार इन्होंने, डॉल्फिन्स ठीक है नी कंपनी। चलो जी ये दोस्तों हुसैना गाई में पहुंचे तो खड़े खड़े हमने ना एक जूता भी खरीद लिया यहाँ से ताकि पसंद आ गया तो इसलिए ले लिया है, सऊदीया लेके जाएंगे। गाड़ी सामने खड़ी है, हमजा गया हुआ है आगे एक दुकान पे वहाँ से कुछ सामान लेने, वो ले गया था, हम भी देखते हैं कोई और पैंट शर्ट वगैरह देखते हैं तो यहाँ से पसंद आते तो वो भी लेते हैं, तब तक ये सामान रख देते हैं गाड़ी में। ये है जी हुसैना गई, आज तो थोड़ा रश नहीं है सुनसान है, हमारे लिए अच्छा हो गया है। दोस्तों मुल्तान से जो भी काम थे कम्प्लीट हो गए हैं, अब जो है ना चल रहे हैं मुजफ्फरगढ़, मुजफ्फरगढ़ से भी अब शायद आगे जाना हो, बताते हैं आपको अगले प्लान में, शायद प्लान बन रहा है अभी तक कंफर्म नहीं है, शायद रुला वाली वगैरह या खानगढ़ कहीं भी जाना पड़ सकता है। अब मुल्तान कैंट में आ चुके हैं और हमजा गया हुआ है जी लसानी चरगा हाउस पे पता करने के लिए, यहाँ से कुछ पीस खाने का मूड है ये लसानी चरगा हाउस है। ये है जी कैंट, मुल्तान कैंट, गाड़ी उधर हमने सामने खड़ी की है वहाँ पे,
यहाँ पे खड़े हैं, देखते हैं कि इसका कैसा टेस्ट है। चेक करते हैं, कहते हैं कि जी कैंट में लसानी चरगाह उसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है। आजा भाई आजा 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 आजा, शाबाश, जल्दी बैठ, ट्रैफिक जाम हो गई है। चलें जी चलें दोस्तों, मुल्तान को कर रहे हैं गुड बाय और हम तो बीच से है वो भी टेस्ट करते हैं, फिर आगे का सफर जो है ना निकलते हैं आगे के सफर में इंशाल्लाह, वो भी आपको तमाम व्यू आप दोस्तों का शेयर करते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों मुजफ्फरगढ़ पहुंच चुके हैं और फाइनली काका के आ गए। हाँ जी क्या चीज चाहिए? पीस दे उसे, पीस लसानी का पीस तेरे लिए, मोड़ के गए भाई गाड़ी पीछे। हाँ तो और क्या, ठीक है हम तो गए अंदर सामान देने के लिए, किसके उसने लिया है हमने थोड़ी लिया है। चले दोस्तों अब जो है ना हम जा रहे हैं जी खानगढ़, खानगढ़ से फिर रुला अली, तमाम व्यू आप दोस्तों का शेयर करते हैं इंशाल्लाह। अभी देखें हॉस्पिटल गेट के बिल्कुल सामने खड़े हैं। यह है जी मिसाली मिडल, मुजफ्फरगढ़ की पहचान, एकेडमी में सबसे पहला नाम जो है ना मिसाली मिडल। बहुत सारे दोस्त देख रहे होंगे जो यहाँ से पढ़ के गए होंगे मुजफ्फरगढ़ में एकेडमी में, तो आपको पता है कि एक वक्त था बहुत अरूज था, लेकिन अभी भी जो है ना अब्दालियन, फिर इसके बाद देखें ये अब्दालियन आ गई है सबसे इस टाइम टॉप पे जो एकेडमी जा रही है अब्दालियन जा रही है अदील साहब वाली। ये देखें यहीं से हम गुजर रहे हैं और ये सीधा रुला वाली, खानगढ़, बिसंदे वाली, अलीपुर और हेडपंज नद और इसी तरह ये रोड आगे कराची की तरफ जाता है। तो आज जो हमारा सफर अभी है इंशाल्लाह खानगढ़ ब्रेक होगी एक दोस्त के पास, उसके बाद फिर रुला वाली, ऐसे दो चार दोस्त हैं सबसे मुलाकातें करके ताकि इस रोड पे हमें दोबारा न जाना पड़े, कंप्लीट करके आते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों ये आ चुके हैं मंडा चौक, खानगढ़ से पहले है जी मंडा चौक, यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त रहते हैं लेकिन टाइम नहीं है किसे मुलाकात करने का। दोस्तों ये खानगढ़ का है बाईपास, आप चेक करें खूबसूरती चेक करें, एक साइड पे है नहर और दूसरी साइड पे है आम के बागात, ये है हमारे पाकिस्तान की नेचुरल खूबसूरती यार। यकीन जानिए दुनिया में ऐसे नज़ारे आपको देखने में बहुत कम ही मिलते हैं। हम कहते तो हैं बहुत सारी खामियां हैं कुछ भी हो, लेकिन ऐसा माहौल आपको देखने में दुनिया में बहुत कम मिलता है। जो लोग अरब ममालिक में रहते हैं उनसे पूछें ये चीज़ें कितनी मिस करते हैं। ये देखें माशाल्लाह मेहरान वाला बड़े ही गुस्से में है। भाई दोस्तों ये है विसंदे वाली, विसंदे वाली के बाद आएगा जी रुला वाली और यहाँ पे भी हमारे दोस्त है राणा नईम साहब, हमें देख रहे होंगे इंशाल्लाह, रब्ता करते हैं अगर उनसे मुलाकात होती है, तो मुलाकातें बहुत ज्यादा हैं तो देखते हैं किन किन दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। दोस्तों ये है जी रुला वाली सिटी, रुला वाली में जी आम का बहुत बड़ा काम होता है और मंडी भी है, यहाँ से गाड़ियाँ लोड होती हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में जाती हैं, तो यहाँ पे मैं भी बड़ा आया करता था कब जब बाइक का कारोबार करते थे तो यहाँ पे मंडी लगती थी जो है ना, यहाँ पे ज़रूर मंडी है, ये देख रहे हैं यहाँ पे मंडी लगती है। तो अभी रुला वाले से चल रहे हैं जो है ना अंदर देहात वाले साइड पर है मोची वाला पर चल रहे हैं, वहाँ से एक दोस्त को पिक करते हैं। ये देखें मोची वाली का माहौल है भाई, मक्खन बेला मोची वाली, ये बस्तियों का नाम है, मतलब बस्तियों का नाम है। यहाँ पे पहले हम आते हैं वॉलीबॉल खेलने के लिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा आते थे। ये है जी दोस्तों पाकिस्तान के जो विलेज के ना रोड चेक करें आप और स्पीड बाइक चेक करें कैसे आ रहे हैं माशाल्लाह, हॉर्न पे हाथ रख के बैठना पड़ता है कहीं बंदा मिस ही ना हो जाए और आगे से बंदा कोई मिस ना हो जाए। देखें यहाँ पे मोची वाली में सबसे ज्यादा बाग है आम के, तो रश भी अच्छा खासा है क्योंकि आम का सीजन चल रहा है। विलेज लाइफ ऑफ पाकिस्तान जी दोस्तों आ गए हैं चौक नजीर वाला है जी, ये देखें यार अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस है माशाल्लाह, भाईजान रोड ही छोड़ दें, देखें माशाल्लाह दोनों साइड पे देखें बाइक्स, जहाँ जिसका दिल करता है ब्रेक लगा देता है, जहाँ जिसका दिल करे पाकिस्तान है ना मजे कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं। हमसे पूछो सऊदी में एक मिनट ब्रेक लगाओ तो पीछे से 300 रियाल का फोटो खींच जाता भाई, पिक्चर पिक्चर
नहीं हम देख कहाँ पे आ गए भाई, दरिया पे आ गए तेरे पे, दरिया पे बैठ बैठ तने तू बैठ लेट ना कर। ओ भाई मुनीर ने बहुत ज्यादा लेट करवा दिया जी, मोची वाली पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा सफर था रास्ते में, रोड वगैरह खराब और आम की गाड़ियां वगैरह लोड हो रही थी। मुनीर कहाँ पे चलना बताओ भाई जल्दी, सीधा यार आगे रोड भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये देखें आम रोड के ऊपर लेफ्ट साइड पे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए ओए उतरो ये गुआट। दोस्तों पहुंच चुके हैं मुनीर के पास यहाँ पे बाग में मोची वाली। ये देखें माहौल चेक करें आप, ये बाग है सामने और यहाँ पे इन्होंने डाली हैं चारपाइयाँ और यहाँ पे आम लेके आया मुनीर जो है ना, आम काट रहा है हमजा, आम खाते हैं यहाँ पे भाई बैठे हैं सारे यहाँ पे। देखें पाकिस्तान की जो ना विलेज लाइफ ऐसी है, आवाज़ें चेक करें परिंदों की। कप हमला क्या है सलमान सही कपे दे, चलो कप वाल जेबा कप गिनने सही मुनीर। दोस्तों मुनीर को जो ना पिक कर लिया, ये देखें हमजा पीछे मुनीर, मतलब सलमान खान लोगों को पहले ही जानते हैं माशाल्लाह, जानी पहचानी शख्सियत है। आप जो ना हम निकल रहे हैं जी रूना वाली साइड पे और चल के मुलाकात करते हैं, वहाँ पे एक और दोस्त है जो खानगढ़ बैंक में हमारे दोस्त होता है, वो आ रहा है रूना वाली, वहाँ पे बैठ के एक होटल है हमारे दोस्त का, वहाँ पे उससे मुलाकात करते हैं और गपशप लगाते हैं। दिखा अस्सलाम वालेकुम जनाब, जनाब सर खैरियत ठीक है, खुश हो खैरियत है। ये है जी हमारे दोस्त अदनान सलीम फ्राम रूना वाली, हमारे क्लास फेलो बहुत पुराने दोस्त हैं, तो यहीं पे इनको इनसे मुलाकात हुई है। इनका इंतज़ार कर रहे थे खानगढ़ बैंक में होते हैं तो वहाँ से आए हैं। और सर ये दोस्तों आ चुके हैं रूना वाली, हमारे एक दोस्त है मलिक वसीम उनके होटल पे। ये देखें यहाँ पे एवेड है प्याला होटल है, हक बहू प्याला होटल, खाना आ गया दोस्तों, खाना जो है ना अब देखिए कढ़ाई आई बड़ी है माशाल्लाह। जी जी क्या कह रहे हैं मलिक सलमान कालू साहब, मैंने कहा खाना आ गया बहुत अच्छा टेस्ट है पहले ही ऑलरेडी। चलें चेक करते हैं जी माशाल्लाह कैसा है जी होटल का टेस्ट। बाय बाय कर रहे हैं ना, बिल्कुल बाय बाय कर, बाय बाय ना करूं, बाय बाय कह, बाय बाय कह दी आए सलमान, बाय बाय ना, बाय बाय सर, बाय बाय दीदी पे गाल दे मनो मिल। दोस्तों खाना खा लिया, नईम भाई ने मलिक वसीम साहब का बहुत शुक्रिया, होटल बनाया यहीं पे, बड़ा जबरदस्त खाना था, खाया कीवे भाई मजा आया ना, सही रह गया ना। तो अभी अदनान भाई जो है ना जी मास्क दे दो भाई जान, आओ सर ठीक है खेच। अब अदनान भाई का घर है बस्ती माढ़ा में, तो वो हमारे आगे आगे जाएंगे, हम उनके पीछे पीछे, फिर हमने जाना एक आगे एक दोस्त के पास, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों ये रास्ता देखें बस्ती माढ़ा वाली साइड पे हम जा रहे हैं, अदनान भाई हमारे आगे बाइक पे है, जैसे ही बैंक से आया है सीधा जो है ना हमारे पास उधर बैठ के खाना वगैरह खाया गपशप लगाई है, तो अब बोल रहा है कि हमारे घर चलो, हमने बोला घर नहीं जाना है, हमने जाना है आगे एक दोस्त है तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पे, उससे मुलाकात करके हम निकल जाएंगे घर। यहीं से ये वाला है या आगे वाला है, यहीं से ही होंगे जुदा। रास्ता देख रहे हैं पाकिस्तान के रास्ते चेक करें भाई। दोस्तों अदनान भाई के पास जब पहुंचे तो फिर ये शाम के टाइम में फलूदा इन्होंने मंगवा लिया कुल्फा, ये देखें माशाल्लाह ये इस टाइम में अरबी अरबी समझ नहीं आनी गई, वो ये माड़े बैठे से ये दुकान है सामने ते बैठे हैं सही, ये जरा ना मलिक सलमान कालू साहब की तबीयत जो है ना नासाज है, हम तो सब खाओ भाई बिस्मिल्लाह पढ़ो खाएं, हाँ जी शुरू करें सही कट्ठे हैं और इंशाल्लाह सर मेहरबानी तो टाइम दीते इंशाल्लाह वल गप ले इंशाल्लाह मेहरबानी निकल दे पाए। दोस्तों ये रास्ता चेक करें, ना बंदा ना बंदे की जात, सुनसान है बिल्कुल, ये डीसी वाली पुल है माड़े से जो रास्ता आता है बीच में से बेट रावली और उसके बाद डीसी वाली पुल, ये देखें रास्ता चेक करें, रात के 9 बज रहे हैं, कोई बंदा भी आपको नहीं नजर आएगा इस रोड पर, टूटा फूटा रोड है। ओए होए 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 ये सारे तिल काश किए हुए हैं और रास्ता इंतहाई खतरनाक रास्ता है, कीचड़ से भरा पड़ा है भाई, क्योंकि बारिश आई है और ऊपर से बारिश आने भी वाली है। अल्लाह अकबर अल्लाह खैर या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर,
चल भाई चल चल, ये जी ज्वार की फसल है और ये आ गई जी एक बस्ती। अल्लाह अकबर जी, अल्लाह ही है तो इंशाल्लाह कहीं नहीं रुकेगी अल्लाह के हुक्म से। होंडा शोंडा ये वो होती तो वो अब तक रुक चुकी होती। ये आ गई जी बस्ती, फिर बस्ती में से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुनीर अल्लाह अकबर पढ़ रहा है जैसे पहाड़ से गिर रहे हूँ हम। सीधा सीधा चलो, यहाँ से हम जो डोगी उठा के गए थे हमसे के लिए जर्मन शेफर्ड, वो इसके नसीब नहीं हुआ था। सही अच्छा थे ला रहे थे दूध लेके। वाह काशी गां, वाह काशी गां, तो वाह एक काशी गां सा तो किथान गेलो तो ए तो देख सही कह रहे ठीक हो खरिया थे देख रहे हैं। काशी है ये इसने चैनल बनाया काशी भाई के पास आ गए। कालू साहब उठाओ भाई जान, उठ जाओ उठ जाओ। वो देखो हां क्या हुआ, आ जाओ आ जाओ बाहर कुछ नहीं सुमन लो ना ना खावे पक्के है बुढ़े ठीक है वही में जी में बाज होते चार बार वो जे रहे हैं माशा तो बंदे में कुछ दसे है मैं चार का लेके आया तो बहुत याद आया उठाओ दी क्या देखो ठीक है सर बड़ी मेहरबानी ठीक है काशी गांव खुशी तक इकट्ठे हैं इंशाल्लाह थोड़ा जी अफसोस ही दिन दे बैठो बैठो जी बैठो 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 लेदा जेड़े ले दोस्तों। रात की 12 बज चुकी है और हम अब जा रहे हैं मुजफ्फरगढ़, यहाँ से तकरीबन हमें आधा घंटा लगेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।